तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी को स्टार्ट करते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है, यानी कि वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ईटीपी के बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ईटीपी प्लांट लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ईटीपी प्लांट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं उसका कैसे फंक्शनिंग होता है, यानी कि हर एक कंपोनेंट का फंक्शनिंग को भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ईटीपी प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने यहां पे इसका एक ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, तो इफ्लुएंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गंदा पानी। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर होता है, यानी कि वाटर का यूज होने के बाद जो पानी निकलता है किसी भी प्लांट से, उसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं। और उसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। और उस वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारा इंप्यूरिटीज रहता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा ऐसे केमिकल्स मौजूद रहते हैं, उसके अंदर ऑयल एंड ग्रीस वगैरह मौजूद रहते हैं। अगर हम लोग इस वेस्ट वाटर को डायरेक्टली किसी रिवर वगैरह में ले जाके छोड़ देंगे तो पानी के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि पानी के अंदर जो भी जीव जंतु मौजूद होते हैं, जैसे कि मछली वगैरह मौजूद रहते हैं, उनको अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा सा एनवायरमेंट का जरूरत पड़ता है। जैसे कि पानी के अंदर हमारा बीओडी कितना होना चाहिए, सीओडी कितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर बियॉन्ड लिमिट जा रहा है तो पानी के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि पानी के अंदर जो भी मछली वगैरह है वो मर जाते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग वेस्ट वाटर या इफ्लुएंट वाटर जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर डायरेक्टली रिवर को डिस्चार्ज करेंगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, यानी नदी का पानी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि पॉल्यूटेंट हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनको जो एनवायरमेंट चाहिए जीवित रहने के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में जो भी मछली वगैरह है वो मर जाते हैं। तो रिवर को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, यानी कि पानी के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, यानी कि जो इफ्लुएंट वाटर निकलता है, उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा। यानी कि इफ्लुएंट वाटर को हम लोग को प्योर वाटर में कन्वर्ट करके तभी उसको हम लोग रिवर में भेज सकते हैं, या हम लोग को फर्दर जहां पे भी यूज करना है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसा प्लांट जहां पे हम लोग इफ्लुएंट वाटर को ट्रीट करते हैं, यानी कि इफ्लुएंट वाटर को हम लोग क्लीन वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईटीपी, यानी कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो सीवेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, यानी कि कोई भी पानी हम लोग यूज करने के बाद हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, वो नली के माध्यम से निकल जाता है और फाइनली क्या होता है कि वो नदी या तालाब वगैरह में जाके मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। तो जो भी हमारे घर से वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं, और किसी भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम लोग इफ्लुएंट बोलते हैं। तो आज हम लोग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को अभी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, जो भी हमारा इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है, यानी कि इफ्लुएंट वाटर है, इसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि इसको प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को मेनली डिफरेंट स्टेज से इसको पास आउट करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एंड देन फाइनल होता है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इफ्लुएंट वाटर है इसके अंदर बहुत सारा इंप्यूरिटीज है, यानी कि इसके अंदर हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारा फ्लोटिंग मटेरियल भी हो सकता है, जैसे कि हमारा प्लोथिन हो गया, प्लास्टिक का डब्बा वगैरह हो गया, जो भी हमारा बड़े बड़े साइज का, इसके अंदर पीबल्स ग्रीट वगैरह भी मौजूद होंगे, या इसके अंदर बहुत सारा ऐसे इंप्यूरिटीज है, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज हो गया, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जो कि इस वेस्ट वाटर के अंदर हमारा मौजूद रहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि इस वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रैप करते हैं, कैसे इसको यहां से रिमूव करते हैं, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर है, जो इफ्लुएंट वाटर है, वो हमारा इस लाइन से आता है। तो सबसे पहले इस इफ्लुएंट वाटर को हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्क्रीन से पास आउट करवाते हैं। तो देखिए, यहां पे मैं बार स्क्रीन बनाया हूं, यानी कि ये क्या होता है, एक जालीदार होता है। यहां पे जो हमारा जाली लगा रहता है इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो मान लीजिए इसका 50 mm साइज है, तो 50 mm से ऊपर जो भी पार्टिकल है,
जो भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल हो या फ्लोटिंग पार्टिकल हो, जैसे प्लास्टिक का डब्बा वगैरह है या कोई भी प्लोथिन वगैरह है, कोई भी बड़े साइज का जो पत्थर वगैरह है जो बह के आ गया, वो सब क्या होगा, यहीं पे ट्रैप हो जाएगा और यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल या मैनुअल मेथड से हम लोग यहां से रिमूव कर लेते हैं। और यहां से जो हमारा पानी निकलेगा वो कहां जाता है, तो नीचे आता है सेकंड चैम्बर में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीट चैम्बर। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है कि जो पत्थर वगैरह है, जो पीबल्स वगैरह है, वो तो इस बार स्क्रीन से पानी निकल करके हमारा इस ग्रीट चैम्बर में आता है। तो जैसे ही पानी यहां पे स्टे करेगा, तो पानी के अंदर जो भी बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, नीचे बॉटम में सेटल डाउन होगा। तो मान लीजिए यहां पे सेटल डाउन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीट। और इस ग्रीट को हम लोग यहां से डिस्पोज कर सकते हैं, यानी कि यहां से हम लोग ग्रीट का डिस्पोजल कर देते हैं। और जो भी प्योर वाटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप। यानी कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस पानी के अंदर जो भी ऑयल या ग्रीस मौजूद है उसको यहां से हम लोग ट्रैप करेंगे, यानी कि यहां से हम लोग रिमूव करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहां पे हमारा पानी स्टे करेगा तो जो ऑयल एंड ग्रीस है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली टू वाटर। तो जो भी हमारा वाटर के टॉप सरफेस पे हमारा क्या होगा, जो ऑयल एंड ग्रीस होगा वो यहीं पे आके ऊपर तैरने लगेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैकेनिकल मेथड से इसको हम लोग, मतलब बेल्ट वगैरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से हम लोग ट्रैप कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो को देखते ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इस वाटर के सरफेस पे जो ऑयल एंड ग्रीस अवेलेबल है इसको मैकेनिकल मेथड द्वारा हम लोग यहां से ट्रैप कर लेते हैं। यानी कि वाटर के टॉप सरफेस से ऑयल एंड ग्रीस को कैसे हम लोग मैकेनिकल मेथड से यहां पे देखिए ट्रैप कर रहे हैं। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग यहां से ऑयल एंड ग्रीस को ट्रैप कर लेंगे, तो जो हमारा वाटर है, जो ऑयल एंड ग्रीस फ्री वाटर है, इसको हम लोग दूसरे सेक्शन में भेज देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलाइजेशन चैम्बर। तो देखिए ये है हमारा इक्विलाइजेशन चैम्बर। जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इस पानी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इक्विलाइज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री से जो हमारा इफ्लुएंट आता है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है, यानी कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो किसी का टेम्परेचर कम होता है, तो किसी का पीएच ज्यादा होता है तो किसी का पीएच कम होता है। इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, मतलब डिफरेंट जगह से हम लोग का पानी, वेस्ट वाटर आते रहता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी पानी हमारा आया इसको हम लोग इक्विलाइज करेंगे, ठीक है, मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक का यहां पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग एयर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, किसी ब्लोअर वाला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एयर प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते यहां पे क्या होगा, मिक्सिंग होते रहेगा। तो मिक्सिंग होगा तो जो भी अगर हाई टेंपरेचर है तो लो टेंपरेचर दोनों क्या होगा, एक दूसरे से मिक्सअप होते 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 क्या होगा कि एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इसका एक सर्टेन टेंपरेचर मेंटेन होने लगता है। इस तरह से इस चैंबर में एयर का सप्लाई करने की वजह से पानी हमारा कंटिन्यूअस मिक्सअप होते रहता है, जिसके चलते जो भी हमारा इफ्लुएंट आया डिफरेंट सेक्शन से उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एकदम सेम हो जाता है, सामान्य हो जाता है। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर कम है तो लगभग एवरेज टेम्परेचर आ जाता है। पीएच अगर डिफरेंट है दोनों का, किसी का लो हाई है, तो एक एवरेज पीएच यहां पे मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो पानी है वो क्या होता है, यहां से ठंडा हो जाएगा और यहां पे हमारा स्टोर हो जाता है। तो देखिए ये जो हमारा इक्विलाइजेशन चैंबर है वो क्या करता है, एक तरफ से स्टोरेज का भी काम करता है। यानी कि हम लोग कंटिन्यूअस यहां पे हम लोग को पानी सप्लाई देना पड़ता है, तो इन केस कभी हमारा इन्फ्लुएंट कम आ रहा है उस कंडीशन में यहां पे ये स्टोरेज का भी काम करता है, यानी कंटिन्यू यहां पे सप्लाई देते रहेगा। तो ये दो काम करता है, एक तो हमारा इसका इक्विलाइज करने के लिए, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मेंटेन करने के लिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करने के लिए, और दूसरा हमारा ये एक तरफ से स्टोरेज का भी काम करता है। तो देखिए यहां से जो हमारा पानी निकलता है वो दूसरे सेक्शन में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टैंक। तो यहां पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टैंक क्यों बोल रहे हैं, तो इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा यहां से पानी आया है इसका हम लोग पीएच चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है, ठीक है। अगर इसका पीएच ज्यादा है, ठीक है, अगर इस वाटर का जो पीएच है वो अगर ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन में इसका हम लोग को पीएच कम करना पड़ेगा। तो इसका जो हम लोग पीएच मेंटेन करते हैं वो हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, तो 7 या 7.5 तक इसका पीएच मेंटेन करते हैं। अगर आपका 8 है तो यहां पे क्या करेंगे, एसिड यहां पे डोज कर देंगे तो इसका पीएच डाउन हो जाएगा। अगर इसका पीएच मान लीजिए 6 है, यानी कि कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, कॉस्टिक वगैरह डाल के, एल्कलाइन मीडिया यहां पे डाल के इसका पीएच इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन टैंक, यानी इस टैंक के अंदर हम लोग पीएच को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से यहां पे हमारा जो पानी है, जो हम लोग का इफ्लुएंट है, यहां पे इसका पीएच मेंटेन हो गया। अब इस पानी को हम लोग भेजते हैं दूसरे सेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन टैंक, या इसको हम लोग फ्लैश मिक्सर भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि इस
पानी के अंदर हम लोग एक केमिकल ऐड करेंगे। तो केमिकल ऐड क्यों करते हैं, तो इस पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है यानी जो भी इंप्यूरिटीज है उसको यहां से ट्रैप करने के लिए यानी यहां से रिमूव करने के लिए। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इस पानी के अंदर जो भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है उस पे देखा जाता है कि इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना भी इस पानी के अंदर इंप्यूरिटीज होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज का जो पार्टिकल है एक दूसरे से दूर भागता है। तो ठीक है, तो इस सेम पार्टिकल को हम लोग इकट्ठा करेंगे तभी जाके वो उसका डेंसिटी हाई होगा और नीचे आके बैठेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको मतलब इकट्ठा करने के लिए हम लोग यहां पे एक केमिकल डालते हैं जिसको हम लोग एलम बोलते हैं यानी एल्युमिनियम सल्फेट डालते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे यहां पे हमारा केमिकल ऐड हो गया यानी कि इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव के पास आके सटेगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, डिफरेंट चार्ज हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव के पास क्या होगा, नेगेटिव पार्टिकल इसके चारों तरफ आके मतलब चिपक जाते हैं। तो इस तरह से जो इंप्यूरिटीज है उसका डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है। इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज जो हमने केमिकल डाला है इसके चारों तरफ हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आके चिपक जाएंगे। तो ये इस पानी के अंदर अभी भी क्या होगा, मूव करते रहेगा। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉकुलेशन करते हैं। फॉकुलेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहां पे हम लोग इसको मिक्सिंग के लिए एक मोटर प्रोवाइड करते हैं, ये मिक्सर है। जब इसको हम लोग चालू करेंगे तो मिक्सिंग होने लगेगा, ये पानी हमारा मिक्स होने लगेगा। तो जो भी हमारा ये चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ नेगेटिव लिया है वो एक दूसरे से क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आएगा। तो जैसे ही ये सब इस पानी के अंदर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये एक साथ जुड़ जाता है जिसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक मतलब होता है कि इंप्यूरिटीज का जमाव, यानी कि जब ये मिक्सअप करते रहेगा तो ये सब इंप्यूरिटीज क्या हो जाता है, फ्लॉक बना लेता है, और फ्लॉक बना के क्या होगा, नीचे आके बैठ जाता है। तो इस तरह से इस पानी के अंदर जो भी हमारा सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज है उसको हम लोग कॉगुलेशन डाल के क्या करेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि जो टीनी पार्टिकल है उसको लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। और फ्लॉकुलेशन का मतलब हो गया कि जो भी लार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग फ्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्लॉक जैसे बन जाएगा तो उसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, तो वो बॉटम में आके सेटल डाउन हो जाता है। तो देखिए यहां के बाद जो हमारा ये जो पानी है इसको हम लोग दूसरे सेक्शन में भेजते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहां पे हमने यहां पे दिखा रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लारिफायर टैंक, या इसको हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि इस पानी को हम लोग जो भी यहां पे हमने मिक्सिंग तैयार किया है, जो भी इसके अंदर हम लोग केमिकल डाले, इस पानी को हम लोग यहां पे ला देंगे और इस पानी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा पॉन्ड होता है बहुत बड़ा मतलब एक सर्कुलर शेप में पॉन्ड होता है। तो जैसे ही ये पानी हमारा इस टैंक में आ जाता है तो ये टैंक के अंदर पानी क्या होता है, स्टे करता है, जिसके चलते पानी के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है, जो भी फ्लॉक्स वगैरह है, वो क्या होगा, बॉटम में आके सेटल डाउन होगा, यहां पे आके बैठ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, और इस स्लज को फिर से हम लोग देखते हैं कि कहां पे ले जाके इसको हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग एक पंप के मदद से स्लज ड्राइंग बेड में ले जाते हैं जिसको एसडीबी बोलते हैं। इस स्लज को यहां पे ड्राई होने के लिए यहां पे हम लोग भेज देते हैं। तो इस तरह से इस पानी के अंदर जो भी हमारा मतलब इंप्यूरिटीज है, जो भी फ्लॉक वगैरह है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स है, या जो भी बालू कण, जो भी छोटे मिट्टी उट्टी वगैरह बच गया है, वो यहां पे सेटल डाउन हो जाएगा। उसको हम लोग फिर से एक पंप की मदद से स्लज ड्राइंग बेड में यहां पे भेज देंगे। तो देखिए यहां पे हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट किए जिसमें हमारा बार स्क्रीन हो गया, ग्रिड चैम्बर हो गया, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप हो गया, इसको हम लोग प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। और हमारा इक्विलाइजेशन चैम्बर, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, कॉगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन टैंक एंड प्राइमरी क्लारिफायर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। और यहां से लेकर के मतलब कि बार स्क्रीन से लेकर के प्राइमरी क्लारिफायर को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लोग कहां भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जहां पे इस पानी के अंदर जो भी हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको अब हम लोग ट्रीट करेंगे। तो देखिए इस पानी के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है यानी कि कार्बन कंटेनिंग इंप्यूरिटीज है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी कि के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा इस इंप्यूरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा एरोबिक होता है, दूसरा एनएरोबिक होता है। तो देखिए एरोबिक का मतलब होता है कि एयर के प्रेजेंस में इस ऑर्गेनिक मैटर को जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। और दूसरा होता है एनएरोबिक यानी कि एयर के एब्सेंस में, यानी कि वहां पे हमारा एयर अवेलेबल नहीं होगा और पानी के अंदर जो हमारा एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है उसको
मतलब डीकम्पोज करेगा यानी कि रिमूव करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा या इस प्लांट के अंदर हमारा एरोबिक ट्रीटमेंट रहेगा या एनएरोबिक ट्रीटमेंट रहेगा या दोनों रहेगा। तो देखिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट ही देखने को मिलता है। एनएरोबिक ट्रीटमेंट और एरोबिक ट्रीटमेंट दोनों एक साथ देखने को वहीं पे मिलेगा जहां पे इस पानी के अंदर जो हमारा बीओडी का लेवल है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई हो। तो देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा कि बीओडी क्या होता है और इससे हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि वाटर के अंदर हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कितना है। तो चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पानी है वो कहाँ जा रहा है। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं एरेशन टैंक है जी, यहाँ पे हम लोग एरोबिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एनएरोबिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एयर के एब्सेंस में इस पानी के अंदर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, यानी कि इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग एरोबिक या एनएरोबिक बैक्टीरिया से हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एनएरोबिक की बात करेंगे तो हम लोग को एयर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग एरोबिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए उसको ऑक्सीजन का कंजप्शन करना पड़ता है, यानी उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एरेशन टैंक है और यहाँ पे हमारा एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसको यहाँ पे डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक एयर कंप्रेसर है। तो जैसे हम लोग कंप्रेसर चालू करेंगे तो यहां से इस पाइपलाइन द्वारा हमारा एयर आएगा, तो यहां से हमारा एयर निकलते रहता है। तो इस पानी के अंदर अब हमारा बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है और हमारा एयर है, तो तीनों यहाँ पे मिल गया। तो अब ये क्या होगा, इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पे डिकम्पोज होने लगता है। तो जैसे यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो ये बैक्टीरिया को क्या मिला, फूड मिल गया, यानी बैक्टीरिया को यहाँ पे खाना मिलने लगा, इसको ऑक्सीजन मिलने लगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया हमारा कम रहता है, लेकिन अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो इसका जो बैक्टीरिया का ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। तो और इस पानी के अंदर जो भी हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसका डिकम्पोज होने लगता है, यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हमारा रिड्यूस होने लगता है। तो इस कंडीशन में ये जो हम लोग का वाटर निकलता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बीओडी चेक करेंगे यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनलेट में बीओडी हाई होता है, आउटलेट में बीओडी बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से इस पानी के अंदर हमारा क्या होगा कि कुछ देर बाद जब यहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पे बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है एक दूसरे से के इधर क्या होते हैं, जिगजैग में मूव करते रहते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया यहाँ पे फ्लॉक बना लेता है, यानी कि बेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता है और इस पानी को हम लोग भेज देते हैं कहाँ पे, तो देखिए सेकेंडरी क्लारीफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पानी को हम लोग छोड़ देते हैं, तो इस पानी के अंदर जो भी हमारा इम्प्यूरिटीज है वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होगा। तो यहाँ पे हमारा अब इम्प्यूरिटीज क्या है, तो जो भी केवल इम्प्यूरिटीज के तौर पर क्या है, जो हमारा बैक्टीरिया है वही केवल इम्प्यूरिटीज है। तो यहां पे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो यहां पे ट्रैप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्लज को यहां से हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसको हम लोग भेज देते हैं कहां पे, तो स्लज ड्राइंग बेड में यानी कि एसडीबी में, और यहां से कुछ परसेंट यानी कि लगभग हम लोग 30% जो स्लज है इसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं ताकि यहां पे जो बैक्टीरिया है इसका कमी ना हो। तो यहां पे बैक्टीरिया का कंटिन्यू क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहां से कुछ जो स्लज है इसको हम लोग रिटर्निंग स्लज पंप से हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसका कमी ना हो, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा प्योर वाटर जो होता है, यहाँ से जो हम लोग का इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन होने के बाद जो परमिट वाटर निकलता है वो हमारा आता है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डिसइंफेक्टेंट करवाते हैं यानी यहाँ पे क्लोरिनेशन करते हैं, और क्लोरिनेशन द्वारा हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको हम लोग रिमूव करते हैं यानी उसको किल करते हैं। तो देखिए क्लोरिनेशन के लिए भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह से यहां पे हम लोग क्लोरीनेशन करके पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको हम लोग किल कर दिए। अब ये जो पानी है वो हमारा डिस्चार्ज होने के लिए तैयार होता है, इसको आप सरफेस वाटर इरिगेशन या जहां पे भी आपको यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं, या इस वाटर को अगर आपको फिर से मतलब प्लांट में यूज करना है तो इसको आप क्या करेंगे, ड्यूल मीडिया फिल्टर से पास आउट करवाइए, उसके बाद एसीएफ से पास आउट करवाइए, इसके बाद आप इसको डीएम प्लांट में ले जाइए यानी कि एसएससी, डीगैसर, एसबीए, फिर
मिक्स बेड, ठीक है, उसके बाद आप इस पानी को डीएमएसटी में ले जाकर के फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पानी को आप रीयूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं तो आप इसको फिर से डीएम प्लांट में भेज दीजिए और आप इसको इस तरह से आप जो इन्फ्लुएंट वाटर है इसको आप प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या किए कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए केवल एरोबिक ट्रीटमेंट किए, क्योंकि ये जो हमारा इन्फ्लुएंट है इसके अंदर बीओडी हमारा कम है। अगर इन्फ्लुएंट के अंदर हमारा बीओडी बहुत ज्यादा हाई होता तो उस कंडीशन में हमको एनएरोबिक एंड एरोबिक दोनों ट्रीटमेंट करना पड़ता, जिसके चलते हमारा जो बीओडी है इसका डिस्चार्ज में वो हमारा डिजायर्ड रेंज में मेंटेन हो जाए। तो ये जो हमारा इन्फ्लुएंट है इसको ट्रीट करने के लिए और भी कुछ मेथड है, जैसे हमारा जेएलडी मेथड द्वारा भी ट्रीट किया जाता है, लैमला मेथड द्वारा भी ट्रीट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पाप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।